Hello friends, welcome back to my channel. So today what we are going to do? We are going to make a chicken momo in this video. So stay tuned and keep watching. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑनियन और ऑनियन को चॉप करने शुरू कर लेते हैं बिकॉज ऑनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट फॉर मोमो. Once the chopping of onion is done, we will also add some a baby onion to make the flavor more good and better. And then we will also add onion leaves so that the taste will increase more. तो ऑनियन काट लेने के बाद हम आटा गूंदने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मोमो बनाने में आटा के बिना मोमो नहीं बन सकता है. उसके बाद मैं चिकन को छोटे छोटे पीसों में चॉप करना शुरू कर देता हूँ. And once the chopping is done, हम उसे ग्राइंडर में उसे ग्राइंड कर लेते हैं ताकि वो पूरा छोटे छोटे एकदम बारीकी से छोटे छोटे हो जाए. तो मोमो खाने में काफ़ी टेस्ट आता है और उसमें एक तेल अपना आप निकलता है जिससे कि मोमो जूसी बन जाता है. उसके बाद हम चॉपिंग किए हुए चिकन को उन ऑनियन पत्ते और ऑनियन के साथ मिक्स कर लेते हैं. और मैंने यहाँ पे नमक डालना तो आप लोगों को नहीं दिखाया पर नमक डालना बहुत ज़रूरी है. तो नमक भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल हम मिक्स कर देते हैं ताकि हमारे मोमो काफ़ी जूसी हो जाए. ये मोक्तू जो होता है स्पेशली मोमो बनाने के लिए होता है और इस पे हमने टमाटर और नींबू साथ में लगा दिया है. और नींबू किस लिए लगाया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. और उसके बाद हम मोक्तू पे फिर तेल लगाना शुरू कर देते हैं ताकि मोमो उस पे ना चिपक जाए. और आटा गून लेने के बाद हम लग जाते हैं आटा को शेप देने में. तो आपको दिखाते हैं हम दो प्रकार के मोमो बना के, एक जो है नॉर्मल मोमो और एक थोड़ा डिज़ाइन, ताकि आप लोगों को दोनों किस्म के मोमो देखने को मिले कि किस तरह से हम मोमो प्रिपेयर करते हैं. और ये बना रहे हैं हम नॉर्मल मोमो जो हर जगह पे मिल जाता है, ये शेप में कहीं भी मिल जाता है. तो आप देखिए इसे कैसे बनाते हैं. अब हम इस वीडियो के द्वारा आप मोमो को शेप देना सीख जाएंगे. तो ये रहा हमारा पहला तरीका का मोमो जो बहुत कॉमन है इस शेप में. और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा दूसरा तरीका, दूसरा डिज़ाइन का मोमो जो थोड़े ये भी कॉमन ही है पर बहुत लोग सोचते हैं कि ये अलग अलग है पर सेम डिज़ाइन ही है. केवल उसे क्या करना है,
उसे बन जाने के बाद उसे गोल कर देना, हाँ इस तरह, ताकि वो अलग शेप ले ले। और मुझे तो ये शेप का है मोमो ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक बार पे आपके मुंह पे घुस जाता है। तो मोमो के शेप पूरे बनाने के बाद हम उन्हें एक बाय एक मोक्टो पे चढ़ा के उस उबलते हुए पानी के ऊपर पे रख देते हैं, ताकि वो स्टीम में पक जाए। और अब हम गैस पे मोमो को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि वो स्टीम से अपने आप पकने लग जाए। और जब तक कि मोमो पक रहा है, हम अलग पैन पे चटनी बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं तेल, उसके बाद उस पर हम अपने घर पे बनाए हुए मिर्च लगाते हैं और लहसुन को भी फ्राई करते हैं। उसके बाद हम डालते हैं फर्मेंटेड सोयाबीन। ये सोयाबीन ही है जो आप लोग राजमा कहते हैं, उसे हम फर्मेंट करने के बाद इस तरीके के बन जाते हैं, और उसे हम भी फिर फ्राई करते हैं, ताकि वो गीला हो जाए तो हमें उसे चटनी बनाने में आसान हो। और थोड़ी देर के बाद हम अपने जो टमाटर वहाँ पे उबलने के लिए रखे थे, उसे हम वहाँ से मोक्टो से निकाल लेते हैं। फिर हम उसके बाद टमाटर को छीलने लग जाते हैं, और उन सभी को एक छोटे वाले ग्राइंडर पे रखते हैं। और जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, तब तक हमारे ये फ्राई किया वाला भी गर्म हो जाता है, तो उन्हें भी हम अपने ग्राइंडर पे रख लेते हैं, ताकि उसे पीसा जाए। और थोड़ा सा फिर हम उनमें नमक भी ऐड कर लेते हैं स्वाद अनुसार। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वो नींबू क्यों रखा था। वो नींबू इसलिए रखा जाता है ताकि बर्तन जो काला ना पड़े जब हम उन्हें बॉईल करते हैं। और उसके बाद हम फिर चटनी को ग्राइंड कर लेते हैं। जब तक कि मोमो पक रहा है, तब तक हम अपनी बुखारी के आगे बैठते हैं गर्म 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 आग थप के। आप सोच रहे हैं ये बुखारी क्या, ये हमारे अरुणाचल के काफ़ी फेमस है। नॉर्थ इंडिया अरुणाचल पर हर वो जगह जहाँ पे ठंड होता है, वहाँ पे ऐसे ही बुखारी यूज़ किया जाता है घर को गर्म करने के लिए। और फाइनली हमारे मोमो बनके तैयार हो गया है ऑलमोस्ट। और जब मोमो बनके तैयार हो जाता है, हम उन्हें हॉटकेस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमारी जगह बहुत ठंडा है, तो बहुत जल्द जल्द ठंडा हो जाता है ये सब, इसलिए हम जल्द से जल्द उसे हॉटकेस पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा मोमो खा के। तो मैं लगा लेता हूँ चटनी पे थोड़े से, और ये रहा मोमो, देखिए। ओ वेरी वेरी टेस्टी, आई लाइक इट। तो मोमो जो कि इस प्रकार का होता है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। जब आप मोमो को ब्रेक करते हैं, तो इस तरीका से इससे ऑयल निकलना चाहिए, हाँ जूस, आई मीन जूस, तो ही जाके मोमो काफ़ी टेस्ट रहता है। तो खा लेते हैं। तो मोमो कैसा लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। सो वी आर डन विद आवर मोमो, एंड देन लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्थी, and subscribe bro. 1, 2, 3. Jai Hind. Jai Hind.